अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां वर्षों से पकड़ी गई शराब का कलेक्टर की मौजूदगी में नष्टीकरण किया गया। तहसील स्तर से लेकर जिले तक के थानों में पकड़ी गई 20,000 लीटर से अधिक की शराब पर जेसीबी मशीन चलाकर नष्ट कर दिया गया। उक्त नष्ट की गई शराब की कीमत 1 करोड़ से अधिक की बताई जाती है। कार्यवाही के दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं करहिया ग्राउंड में शराब की विनष्टीकरण और सुनाते हैं कलेक्टर मनोज पुष्प ने की गई कार्यवाही के संबंध में क्या जानकारी दी है। आप 20 साल पहले ये विभिन्न मामलों में राजसात किए गए शराब है, काफ़ी बल्क अमाउंट में ये शराब है और इसमें लगभग 20,000 लीटर से ज़्यादा शराब है जिसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास है। तो हम लोग इसको यहाँ सभी तहसीलों में जो जब्त की गई थी और जिसको आदेश करके राजसात किया गया था, यहाँ पर इकट्ठा करके उसको नष्ट कर रहे हैं और इसको आप सभी की उपस्थिति में नशा मुक्त का जो अभियान चल रहा है उसके एक प्रारूप के रूप में देख रहे हैं कि जो भी ऐसी अवैध और गलत शराब है या उसमें जो प्रयुक्त होने वाले वाहन हैं उन सबको राजसात किया जा रहा है और उसको नष्ट किया जा रहा है। हम लोगों ने ढेर सारे वाहन भी राजसात किए हैं और उनकी लगातार नीलामी भी की जा रही है। सर लगभग कीमत क्या रही होगी? 1 करोड़ के आसपास है। इसमें लगभग 10 साल की शराब है। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।